अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कांटेदार मुकाबला चल रहा है। डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन बहुमत के लिए जरूरी 270 निर्वाचक वोटर हासिल करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। बिलमिंगटन में बाइडेन ने कहा कि निश्चित तौर पर मैं जीत रहा हूं, लेकिन रिपब्लिकन कैंडिडेट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धांधली का आरोप जड़ दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच गए हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रंप और बाइडेन दोनों के समर्थक सड़कों पर हैं और हिंसा जैसे हालात पैदा होने की आशंका के चलते 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर पहुंच गए हैं। बांकुरा में स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित कर अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता सरकार का मृत्यु घंट बज चुका है। बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है, ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के हायाघाट में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी बड़ा बयान दिया। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि अमेरिका की जनता ने कोरोना को लेकर ट्रंप को घेरा है। कोरोना के आते ही ट्रंप लड़खड़ा गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं लड़खड़ाए। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनावी प्रचार खत्म हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ होने का दावा कर रहे हैं। भगवा गमछा पहनकर आए चिराग ने कहा कि वो तो बीजेपी के साथ ही हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि 10 नवंबर को बीजेपी और LJP मिलकर सरकार बनाएगी। दीपावली पर इस बार भी दिल्लीवासी पटाखे नहीं जला पाएंगे। प्रदूषण को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पटाखे न जलाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 7:39 पर है। उन्होंने कहा कि 14 तारीख को शाम 7:39 पर हम फिर से कनॉट प्लेस में जुटेंगे, वहाँ एक जगह लक्ष्मी पूजन करेंगे। पंजाब में 16 नवंबर से सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान खुल जाएंगे। मेडिकल शिक्षा एवं रिसर्च और तकनीकी संस्थानों को भी खोला जाएगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर के ही संस्थानों को खोले जाने की अनुमति मिली है। मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अंतिम वर्ष के छात्रों की कक्षाएँ 9 नवम्बर से ही शुरू हो जाएंगी। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा चरण गुरुवार से शुरू हो रहा है। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब इस वर्ग के युवाओं को पुलिस भर्ती में 5 साल की उम्र में छूट मिलेगी। सीएम मनोहर लाल ने सदन में घोषणा की है। बिहार के भागलपुर में लोगों से भरी नाव पलट गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसा 9 गछिया के करारी 3 डंगा दियारा में हुआ। गंगा की उपधारा में नाव पलट गई। खेत में काम करने वाले लोगों की माने तो नाव पर 100 लोग सवार थे। अभी तक 5 शव मिल चुके हैं, जबकि 15 लोगों की हालत नाजुक है। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को भी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 724 अंकों पर 41,340 पर, निफ्टी 212 अंकों पर 12,120 पर बंद हुआ। लगातार चौथे दिन शेयर बाजार बढ़कर बंद हुआ है।